हमारी पूरी दुनिया में इंसानों की जातियों, वर्गों, धर्मों के हिसाब से जितनी भी प्रजातियां हैं, उससे कई हजारों गुना ज्यादा कीड़े मकोड़ों की प्रजातियां इस दुनिया में रहती हैं, जिसमें से कुछ ऐसे ऐसे और ऐसे दिखते हैं। लेकिन एक प्रजाति ऐसी भी है जो बिल्कुल पेड़ के पत्ते की तरह दिखती है, या कह लीजिए पेड़ का पत्ता ही एक तरह का कीड़ा है। आखिर ये कौन सी प्रजाति है, आइए जाने इसके बारे में। अनबिलीवेबल फैक्ट्स के पांचवें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस जीव के बारे में बात करने जा रहे हैं, आप में से 99% लोग उस जीव के बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे। जो लोग इसके रिसर्चर हैं या जो लोग इसे जानते हैं, वो इसे वॉकिंग लीफ यानी कि ऐसा पत्ता जो चलता हो, लीफ इंसेक्ट यानी कि ऐसा पत्ता जो कीड़ा हो, कि जैसे नामों से बुलाते हैं। लेकिन असल में इसका नाम फिलिडाए है। अगर हम इस प्रजाति का इतिहास उठाए तो इनके पूर्वज बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, वो कुछ इस तरह थे। अब क्योंकि ये कीड़े रहते भी पेड़ के पत्तों पर ही है, खाते भी पेड़ के पत्ते ही हैं और सोते भी पेड़ के पत्तों पर ही है, तो धीरे धीरे इनका आकार बिल्कुल एक पेड़ के पत्ते की तरह हो गया। मानो जैसे आप कह लो कि यार तू तो तरबूज खा खा के तरबूज की तरह हो गया। सूत्रों के हिसाब से इस प्राणी की खोज करने वाले का नाम एटोनिया पिगापिटा है। इस इंसेक्ट की सबसे खास बात यह है कि अपने पेड़ को छोड़कर ज्यादा दूर तक नहीं जाता, क्योंकि इसके पास खाने के लिए भी पेड़ के पत्ते हैं, रहने के लिए भी पेड़ के पत्ते हैं और आराम करने के लिए भी पेड़ के पत्ते ही हैं। इस जीव को कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आम इंसानों से बचने के लिए इन्होंने अपने आप को इस तरह डाल लिया है कि जब ये चलते भी हैं तो उस पेड़ के पत्ते की नकल करते हैं, मानो पेड़ का पत्ता हवा से हिल रहा हो। है ना थोड़ा अनबिलीवेबल सा फैक्ट, पर ये बिल्कुल सच है। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है और आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपके जिन दोस्तों को ऐसी वीडियोस देखना पसंद है, उन दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो जाते जाते वीडियो पर लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए फैक्ट के साथ अगले शनिवार रात 9:30 बजे।